फिर काम से एक बार बाहर जाना पड़ रहा है। मैं अकेला ही हूँ, ये लोग नहीं हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया काम से जाना पड़ रहा है। तो एयरपोर्ट पर हूँ कलकत्ते के, 7:30 बजे की फ़्लाइट है, अभी देर है। तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करा कर अब आ गए हैं अंदर। अब बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं कि बैठ करके थोड़ा सा वक्त ज़ाया किया जाए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। 2 घंटा पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, तो मुझे लगता है तब भी 1 घंटा तो लगभग हुआ ही होगा ही, अभी भी फ्लाइट में मेरा ख्याल है ज़्यादा ही होगा 1 घंटे से। तो अब थोड़ा सा आपको घुमाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट पर उतर कर बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन अच्छी जगह है। पहले भी गया हूँ मैं गाड़ी से कई बार, और एक आध बार मेरा ख्याल है शायद ट्रेन से जाते वक्त, राजधानी में एक आध बार, वो तो बाहर से बाहर मेरा ख्याल है कि स्टेशन को टच करता हुआ उतरा नहीं था, लेकिन जब एक बार काम से ही गया हूँ 1-2 बार तो बाई कार ही गया हूँ। यहाँ से लगभग 800-900 किलोमीटर है, और मेरा ख्याल है कि हवाई जहाज़ 1 घंटा लेता है, 1-1.25 घंटा लेता है, लेकिन फ़्लाइट तो फिर फ्लाइट है, उसके लिए तैयारी तो आपको उतनी ही करनी पड़ती है जितनी करनी पड़ती है। और सब कुछ वैसे ही होता है, वैसे ही सिक्योरिटी चेक इन, वैसे ही आपको 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है, वैसे ही आना है, सारा कुछ लगभग वैसे ही है। कलकत्ता एयरपोर्ट आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इस तरफ, यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये बंगला लिखी हुई ऊपर छत पर, बहुत खूबसूरत है। और ये हमारे ज़माने में डेवलपमेंट हुआ, यानी मैं जब मेंबर था इसमें तभी सारा कुछ ये पास हुआ है, नया एयरपोर्ट बना है, अच्छा है, ये खूबसूरत है, देखने में अच्छा लगता है। बंगला के अल्फाबेट्स हैं, और बेसिकली ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के ही कुछ विजुअल्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट है जिसको छत पर बड़ी खूबसूरती से उतारा गया। तो कलकत्ते की खूबसूरत चीज़ है, कलकत्ता आए और आपने अगर यहाँ की दुर्गा पूजा काली पूजा नहीं देखी है, या आपने कलकत्ते का रसगुल्ला नहीं खाया है, या आपने जिस तरह का ऊपर छत पर आपको लग रहा है वैसा, या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप नहीं जानते हैं रिसर्च करते हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेट है। बंगाल आए तो बंगाल की संस्कृति यही है, खूबसूरत जगह है और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। पूरा हिंदुस्तान लगभग घूमा है मैंने, शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर हो, और कुछ छोटे शहर भी जो मैंने नहीं देखे हैं या विज़िट नहीं किया, लेकिन कलकत्ता इकलौता एक ऐसी जगह है जहां पर मेरा ख्याल है कि जिसके पास 20 रुपए हैं वो भी पेट भर कर खाना खा के ही रात में सोएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लोग बहुत वार्म हैं, आपको मदद करने आते हैं। किसी भी ट्राम में बस में आप चढ़ जाएँ तो महिलाओं की सीट अलग है, अगर कोई बैठा भी होता है तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि आप उठ जाइए, कोई लेडीज़ हैं यहाँ वो खुद से उठ जाते हैं। तो ये है बंगला का कल्चर, तो अच्छा लगता है, इट्स ब्यूटीफुल। लगभग 40 मिनट बाद बोर्डिंग की लाइन शुरू हुई, और क्योंकि छोटा शहर है ये, जहाँ जाना है इसलिए बोर्डिंग भी वो डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में नहीं, पुराने तरीके से यानी बस के थ्रू। प्लेन में बैठने के बाद अब आगे का, अभी तक दमदम एयरपोर्ट रनवे पे, दमदम एयरपोर्ट में 2 रनवे हैं बल्कि 3 हैं, तीसरा वाला इनकम्प्लीट है, यानी पूरा है नहीं, वो आधा है, और बाकी 2 जो हैं वो ऑपरेशनल है, जिसमें एक बड़ा है और एक छोटा है। कोशिश करी मैंने कि आपको कम से कम टेक ऑफ और वहाँ उतरते वक्त की लैंडिंग पूरी दिखाऊं।
लगभग 25 मिनट उड़ते रहे, यानी असेंड कर रहे थे ऊपर, और फिर अब 25 मिनट लगे लगभग उसको नीचे आने में। ये नीचे उतरते वक्त शहर के ऊपर उड़ने के कुछ विजुअल्स, जब प्लेन आस्ते आस्ते नीचे आ रहा है। शहर देख सकते हैं आप नीचे, पता नहीं शायद किसी ने गेस किया, हालांकि डिफ़िकल्ट है इतने ऊपर से गेस करना कि कौन सा शहर है। बहरहाल आपकी मुश्किल में आसान कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि हम पटना उतर रहे थे किसी काम से, दो या तीन दिन शायद रहना पड़े। अगले दो तीन दिन के लिए पटना रहूँगा, हालांकि बहुत ज़्यादा पटना नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि थोड़ी मसरूफियत होगी इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी शहर नहीं देखने निकलूँगा। मैं कुछ ख़ास जगहों पर ही जाऊँगा जहाँ बैठकें हैं, और उन मीटिंग्स को ना मैं यहाँ बता सकता हूँ और ना वो होते वक्त दिखा पाऊँगा, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। बहरहाल खूबसूरत शहर ऊपर से आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत बदलाव नहीं हुआ। जब मैं उतरा एयरपोर्ट पर तो मैंने महसूस किया कि जैसा मैंने छोड़ा था 9 या 10 में शायद, एयरपोर्ट वैसे ही है, कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ एयरपोर्ट। हालांकि शहर में मुझे घूमते फिरते वक्त महसूस हुआ कि शहर पहले से इम्प्रूव हुआ है। ये मेरा ख्याल है रेलवे लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है नीचे पटना का। पटना पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, शहर इम्प्रूव किया है। पहले मुझे याद है जब मैं आया था तो बड़ा अनइवन सा था, क्योंकि मैं कलकत्ते से आया था, एक बड़े शहर से था, तो मुझे पटना लगा था जैसे कि एकदम से किसी छोटी जगह आ गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा, इस बार मुझे लगा पटना ने इम्प्रूवमेंट किया है पिछले 10-12-15 साल में, और ये अच्छी बात है। बिहार की राजधानी होने की वजह से अच्छी बात है कि अगर डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि बिहार के गया जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन पटना को इंटरनेशनल नहीं बनाया, वो समझ में आया कि ठीक है, लेकिन पटना का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ एयरपोर्ट का, ये AAI ने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। बहरहाल सरकार की बात है, सरकार जाने, आप शहर देखिए। और ये बिल्कुल पटना एयरपोर्ट के ऊपर मेरा ख्याल है अब हम फ्लाई कर रहे हैं, और जल्दी ही अब लैंड करेंगे नीचे। आप शहर देख सकते हैं, आप घर काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर से शायद खिलौने की तरह लग रहे थे वो आप बड़े लग रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि एयरपोर्ट के अंदर अब हम आ चुके हैं, ये दीवार भी एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट के अंदर हैं हम, और ये रनवे के ऊपर हैं अब हम और लैंड करेंगे।
जगह है और छोटा सा एयरपोर्ट है, उनके छोटा मेरे पीछे कन्वेयर बेल्ट है। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब मैंने बाहर को बताया था कि 2009-2010 में है, तब से अभी तक कोई सुधार नहीं है। ऐसे ही आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं बाहर का क्या नज़ारा है, जैसे आपको पता है।